आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स और उसके रेस्पॉन्स को स्टडी करते हैं। न्यूटन के बेसिकली तीन लॉज हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई भी बॉडी हमेशा रेस्ट में रहती है या एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करती रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स क्या चीज़ होती है। न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें फोर्स की क्वांटिटी के बारे में बताता है। न्यूटन का थर्ड लॉ है कि नेचर में हर एक एक्शन फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स जरूर होता है। यह लॉ हमें यह बताता है कि फोर्स हमेशा पेयर्स में लगते हैं।